बेटा गौरव शास्त्री की तरफ से आया है। मुझे इस बात की खुशी है और हरेक पिता को गर्व होता है अपने संतान पर, हरेक गुरु को अपने शिष्य पर घमंड होता है कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा। तो मुझे आज इस बात की खुशी है कि छोटी सी उम्र में इस गौरव ने अपना गौरव बहुत ऊंचा किया है। हमारा आशीर्वाद है कि आगे बढ़ते रहो, गुरु का नाम करते रहो और पूरे गांव का प्यार आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। और मैं तो यही कामना करता हूं कि आगे बढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। और 1001 रुपए का हार पहनाया है बेटा ने, 100 रुपए हमारे जगवीर यादव को दिए हैं। अरे बिना पति के और करता मैं बिलखी बिलखी मरी जाऊंगी, बिना पति के ओ भगवन में मैये मोहन दिखाऊंगी, बिना पति के ओ करता में मैये मोहन दिखाऊंगी, बिना पति के ओ ईश्वर में मैये मोहन दिखाऊंगी। पति के गले में गलवहियां डाल के रानी जब चली तो रास्ते में लोग मिल गए, कान लगे ओ बहना जाकर भट्टा पे लगाए देते। ऐसे मैंने कहा बहना तुम्हारी समझे हमारे पति देवता है, मतलब तुम्हारा पति वो भी गधा। गधा जो ऐसे थोरू बन गए जे गैया ने श्राप दे दो तब से गधा बन गए, वैसे तो जे मनुष्य ही है। तो इधर कहाँ ले जा रही है? इधर हम काशी में ले जा रही है। काशी में हमें बहुत बड़ी पतिव्रताएं बताइए, अगर कोई भी पतिव्रता हमारे पति के ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ा देगी तो ये गधा से पुनः मनुष्य बन जाएगा। हाँ काशी में बहुत सी पतिव्रता है। तो आज वो रानी अपने पति को लेकर के काशी की गलियों में पहुंची है और काशी की गलियों में जाकर के आवाज लगाई है कि काशी की बहनाओं, अगर तुम में से कोई पतिव्रता हो तो मेरे पति गधा बन गए, इनके ऊपर जल की छींटा मार दे। और कच कच ऐसी पतिव्रता आती जिन्हें घमंड था, अहंकार था कि हम पतिव्रता हैं, तो वे अहंकार से आती हैं, जल के छींटा मारती हैं, लेके राजा गधा से मनुष्य नहीं बन रहे। और जब गधा से मनुष्य नहीं बन रहे तो अब तो वो मैया काशी की गलियों में बैठ के रोई है कि अगर मेरे पति काशी में ठीक ना है तो अब मेरे पति कहीं ठीक नहीं हो सकते हैं। काशी की गलियों में जब रोई है कि अरे पूटी पूटी
गलियों में वो रानी रो रही है कि मैं कहां अपने पति को ले जाऊं।